नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका स्वागत करता हूं और बात करूंगा बचे हुए 4 महीने कैसे रहेंगे आपके लिए। अगस्त तक का राशिफल मैंने आपको दे दिया था, लेकिन जो बचे हुए 4 महीने हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, जाता हुआ साल आपके लिए क्या लेकर आएगा, इस वीडियो में हम लोग चिंतन करेंगे, जिससे आप आने वाले सभी पहलुओं पर अपना डिसाइड कर पाएं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। इस वीडियो के अंदर हम आपके दाम्पत्य जीवन, आपके प्रेम, आपके कैरियर और आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरुआत में मैं प्रेम को लेना चाहता हूँ कि प्रेम आपका कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा और कहीं ना कहीं आपके जो आपकी जो बात है वह है आपका प्रेमी समझेगा। कहीं ना कहीं जो व्यस्तता रही आपकी पिछले दिनों, उन व्यस्तता में स्थितियां बेहतर होंगी। कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, जो पर्सनल लाइफ है, वो परिस्थितियों की सुधार की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके जो रिश्ते हैं, आपकी साझेदारी के रिश्ते हैं, बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं कोई नया जीवन में आपके आता हुआ दिखाई देता है। देखिए, थोड़ी सी व्यावसायिक कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है, उसके लिए आपको बहुत सजग रहने की आवश्यकता रहेगी और इनका जो फ्रस्ट्रेशन है आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स पे ना निकालें तो बेहतर रहेगा। वहीं अगर मैं थोड़ा सा अक्टूबर महीने की तरफ जाऊं और अक्टूबर की तरफ आपको देखूं, तो यहाँ पर शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आ सकती हैं। संबंध सुधरेंगे, कुछ ख़राब होंगे, तो ये मिक्स पैक की फीलिंग आपके लिए लेकर आएगा। शुरुआती दौर में ये सप्ताह आपके लिए ठीक रहेंगे, लेकिन बाद के जो सप्ताह रहेंगे उसमें आपको विशेषतः ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, अगर जितना हो सके सगाई से रिलेटेड कोई बात है तो अभी उसको ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां उत्पन्न करने की कोशिश यहाँ पर आपको कर सकते हैं। वहीं अगर आपके नवंबर को देखूं कि नवंबर की स्थिति आपकी क्या है, तो यहाँ पर भी कुछ खास आपके बनते हुए दिखाई नहीं देते। थोड़ी सी समस्याएं तो हैं, लेकिन आपकी रिश्ते नाते यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वैचारिक मतभेद ज़रूर रहेंगे, लेकिन उसमें लगातार सुधार की तरफ जाएंगे आपके, और कहीं ना कहीं आपके जो दाम्पत्य जीवन है और आपकी जो लाइफ है वो यहाँ पर आपकी कुछ सुधार की ओर तेजी से मोड़ लेती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं भाग्यवर्धक चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी। देखिए, एक सेटिस्फेक्शन जो है वो तो अभी इतना नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चलकर आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई मुझे देती हैं। वहीं अगर मैं दिसंबर, जो कि लास्ट हमारा महीना होगा, समय बहुत अच्छी तरीके से सुधार की तरफ जाएगा और रिश्ते नातों के लिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होता हुआ जाएगा। व्यावसायिक हितों का यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आपकी जो पर्सनैलिटी है इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप, उसमें परिवर्तन आएंगे। आप अधिक गंभीर होंगे और कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर वाली जो बात है वो आपके साथ यहाँ पर बनी रहेगी। बृहस्पति आपका साथ देंगे और आपके भाग्य में यहाँ पर वृद्धि करेंगे, जिससे जो भी पिछले दिनों दिक्कतें रहीं वो आपकी यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी, और क्योंकि शनि और बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर बनाते हुए दिखाई देंगे। कुछ यात्राओं के योग बनेंगे और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया आपके लिए ये जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं आपके 4 महीनों के रिश्ते नातों यानी कि प्रेम को अगर मैं देखूं, तो स्थितियां कुल मिलाकर कुछ खराब नहीं कही जा सकती, स्थितियां आपके लिए मैं कहूंगा कि ठीक ही रहेंगी। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपका जो कैरियर है आपका वो कैसा रहेगा और किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह हमारे पूरी वीडियो को देखिएगा, छोड़ के बीच में बिल्कुल भी मत जाइएगा। देखिए, अगर मैं सितंबर के महीने को देखूं तो व्यावसायिक रूप से ये बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर में आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर उपलब्धियाँ मिलती हुई दिखाई देंगी, आपको सडन गेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर थोड़ी सी यहाँ पर आपको धन प्रबंध करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ सकती है। शनि और बृहस्पति अनुकूल रहेंगे, जिससे आप किसी भी परिस्थिति से बाहर आने की स्थिति में रहेंगे। 18 सितंबर के बाद आपकी जो राशि है उसमें
शनि देवता मार्गी की स्थिति में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया आपके कामकाज की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे और कामकाज आपका जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और लाभ की स्थिति आपकी बनती हुई यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। अब अगर हम अक्टूबर की तरफ चलें तो थोड़ा सा संघर्ष शुरुआत में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को प्राप्त हो सकती हैं और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बढ़िया होगी और इसकी शुरुआत सितंबर के दूसरे महीने दूसरे सप्ताह से आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां आपके नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर देख कर चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा आपको यहाँ पर विवादों से बचकर रहना है और कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है उसके साथ आपको अनबन नहीं करनी है। यहाँ पर आपको आर्थिक लाभ होंगे और नौकरी में भी आपको बहुत अच्छी स्थितियाँ आपकी प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। अगर किसी से अनबन चल रही थी तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियाँ मैं कहूँगा कि बढ़िया होती हुई आपको दिखाई देती हुई दिखाई देंगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं नवंबर के महीने की, तो यहाँ पर आप कुछ नए प्रयोग करते हुए मुझे दिखाई देते हैं, स्थितियाँ तेज़ी से बदलेंगी और पूर्वाद में जहाँ आपको आर्थिक सुविधा मिली और कहीं ना कहीं आपको लाभ यहाँ पर मिले वो आपके बने रहेंगे, लेकिन कुछ नया करने की सोच आपकी हो सकती है जो कहीं ना कहीं एक तरीके से खर्चों को दावत देगी और अंतिम सप्ताह तक आपको खर्चे बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। इसलिए मैं तो कहूँगा कि खर्चों की तरफ आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा और नई नौकरी अगर लेनी है आपको तो यहाँ पर वो समय और भी अच्छा आपके लिए होता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर के महीने के बारे में बात कर लेते हैं, तो साझेदारी के मामलों में यहाँ पर जो प्रॉब्लम पिछले 2-3 महीनों में आपने देखी होंगी वो यहाँ पर कम होंगी और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति लगाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि शुरुआत में थोड़ी चिंता आपको रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर ये जो सप्ताह रहेंगे दिसंबर के वो अनुकूल रहेंगे। आप दोनों अगर साझेदारी में काम करते हैं या सिंगल भी काम करते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने काम को आगे लेकर जाते हुए दिखाई देंगे और आपको बहुत बढ़िया लाभ होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप नौकरी करते हैं या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा। तो 4 महीनों में अगर मैं आपकी नौकरी और आपके व्यवसाय को देखूँ तो कुल मिलाकर स्थितियाँ ठीक हैं, बस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपकी रहेगी, उसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन को देख लेते हैं, उसके बाद आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा। देखिए दाम्पत्य जीवन जो सितंबर की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटनाक्रम रहेगा जिसमें आपको थोड़ा सा क्रोध की मात्रा आपकी बढ़ सकती है। जीवन में संघर्ष थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, संसाधनों को लेकर कुछ आपस में कहन सुनन होते हुए दिखाई देती है, लेकिन बृहस्पति देव की जो आपको एक तरीके से मदद मिलेगी उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आप हर काम को यहाँ पर पूरा करते हुए दिखाई देंगे, जिससे शुरुआती जो दौर में जो ट्रेंड दिखाई देते हैं जो नेगेटिव दिखाई देते हैं वो आगे चलकर आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। वही अक्टूबर में भी कुछ स्थितियाँ आपके सामने ऐसी आएंगी जब आपको घर परिवार में कुछ नई बातें पता चलेंगी और कहीं ना कहीं जिससे आपका मन थोड़ा सा खराब हो सकता है। निजी व्यावसायिक जीवन आपका ठीक चलता रहेगा, दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर संघर्ष देखने को प्राप्त होगा, लेकिन घबराए ना, ये जितने भी बातें हैं ये बहुत ज़्यादा देर तक चलेंगी नहीं, 2-4 दिन ही की ये बातें अक्टूबर में होंगी, उसके साथ पूरा जो महीना है उसमें आप दोनों का तालमेल देखते ही बनेगा। लेकिन हाँ, घर परिवार की स्थिति जो रहेगी उसमें थोड़ी सी सेकेंड सप्ताह के बाद से आपको अनुकूलता प्राप्त होगी और जो सहयोग आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होता हुआ मुझे लगता है कि आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं नवंबर की बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति आपकी चलेगी और जो लोग निजी जीवन में देखना चाहते हैं अपने लाइफ को, दाम्पत्य जीवन को, तो यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम्स पिछले दिनों जो छोटी मोटी रहीं वो प्रॉब्लम्स भी आपकी यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई देंगी और भाग्य में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं अगर आपकी जो वाइफ हैं या आपके जो हस्बैंड हैं अगर जॉब में नहीं हैं तो वो जॉब में आपकी किसी के मदद से उनको जॉब प्राप्त होती हुई दिखाई देगी और जो निजी जीवन में एक तरीके से एक मिक्स फीलिंग आ रही थी वो मिक्स फीलिंग कहीं ना कहीं आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। बस ज़्यादा किसी के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर किसी पर विश्वास ज़्यादा करके ना चलें।
हालांकि जो शुरुआत के 3 महीनों की स्थिति रही सितंबर अक्टूबर नवंबर में दाम्पत्य जीवन में, वो कहीं ना कहीं दिसंबर में आके पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी सुधार की तरफ आप जाते हुए दिखाई देंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि बृहस्पति आपको बहुत शुभ यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, जीवन में उन्नति आप प्राप्त करते हुए दिखाई यहाँ पर मुझे देते हैं। दूर दराज की यात्राएं आपकी होंगी और आप काम करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जो 4 महीने आपके रहेंगे आपके दाम्पत्य जीवन में, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा जो थर्ड पार्टी है, अगर आप बाहर वालों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, अपने विवेक के से अगर काम करें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि फ़ायदा आपको होता हुआ दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। स्वास्थ्य आमतौर पर अगर मैं देखूं तो 4 महीनों में ही आपका ठीक रहेगा, उतना कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा मानसिक तनाव आपको सितंबर में रहेगा, लेकिन आप अपना आपा नहीं खोएंगे, इस बात की बात रहेगी। और अक्टूबर की स्थिति अगर देखूं तो क्रोध की अधिकता थोड़ी सी रहेगी, इसलिए आपका मानसिक तनाव यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से योगा या कुछ काम करें तो आपका आत्मविश्वास यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं नवंबर की स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी, जो है बकरी रहेंगे, इसलिए एलर्जी जैसी दिक्कतें आपको हो सकती हैं, लेकिन कोई मेजर कोई दिक्कत वहाँ पर होती भी दिखाई मुझे नहीं देती। दिसंबर की बात अगर मैं देखूँ तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना अगेन अच्छा रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पेट से रिलेटेड दिक्कतें आपको हो सकती हैं। देखिए, इन 4 महीनों को अगर मैं समअप करूँ तो ये 4 महीने कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आपके जीवन में रहेंगे। जहाँ अक्टूबर दिसंबर की स्थिति काफ़ी ठीक लगती है मुझे, वहीं सितंबर और नवंबर की स्थिति में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। अगेन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को किसी थर्ड पार्टी के नज़रिए से ना देखें, परिस्थितियों को देखकर अगर आप निर्णय लेंगे तो आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो, यही मेरी हमेशा से कामना रही है। और आगे मिलता हूँ आपसे वृषभ राशि में, तब तक इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई भी पूछना है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ।